हेलो फ्रेंड्स, जय साई राम। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। और वेलकम बैक टू माय चैनल MFL, मतलब माही फैशन एंड लाइफस्टाइल। तो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज का ऐसा कुछ प्लान नहीं है। वैसे मैं हर शूट करती हूँ तो मेरा कोई ऐसा प्लान का रहता नहीं है कि मैं कुछ प्लान करके रखती हूँ। मतलब डेली रूटीन में जो चलते रहता है ना, वो बस यूँ ही अगर लगता है मेरे को कि शूट करना चाहिए तो कर लेती हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने अभी ये शूट कर, मतलब एक ब्लॉग बनाना चाहिए ताकि वो आप लोग के साथ शेयर मैं करूँ और आप लोग को भी पता चले कि आज मैंने क्या किया है। तो ज़्यादा ऐसा तो कुछ था नहीं। तो मैंने सुबह, मतलब सुबह भी नहीं, आफ्टरनून में हम लोग ने एक रेसिपी शूट किया था। मतलब क्या बोलते हैं, कुरकुरी चकली की रेसिपी हमने शूट किया हुआ है, मेहनत किया हुआ है। और मम्मी ने उसमें ज़्यादा मेहनत किया हुआ है, तो वही मैंने सब शूट किया हुआ है। तो उसका सारा क्रेडिट मम्मी और दीदी को ही जाएगा। और आप लोग भी जब ये व्लॉग देखोगे तो उसके पहले ही ये, मतलब चकली का जो है वो अपलोड हो जाएगा। तो प्लीज़ पहले जाके उसे चेकआउट करना और देखना कि वो कैसे बनी हुई है, किस तरीके से बनाई हुई है। और सच में गाइस, बहुत टेस्टी बनी हुई है वो, एकदम कुरकुरित बनी हुई है। तो आप लोग को देखना है वो, तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे बनी हुई है करके। और स्पेशली मुझे वही दिखाना था कि वो कैसे बनी हुई है, खाने में कितनी मस्त लग रही है। और मैं खाऊंगी, टेस्ट आप लोग लेना। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि चकली कैसे बनी हुई है। और फ्रेंड्स, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना, वो बहुत अच्छी बनी हुई है, सच में बहुत अच्छी बनी हुई है। तो चलिए चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। वैसे मैं बैठी थी टेरेस के ऊपर, मतलब यहाँ पे कैमरा रख के मैं बात कर रही थी आपके साथ में। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे बना हुआ है। ये घर का कंस्ट्रक्शन शुरू है तो उसका भी एक शूट लेके मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलो चलते हैं, चले। यहाँ का लोकेशन तो बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब अच्छा सा लाइट पड़ रहा है फेस पे। मैं नीचे उतर रही थी तो दिख गया मुझे थोड़ा सा, मैं बस नीचे ही आ गई हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ नीचे। और एक और चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ कि आज क्या होता है, जो मैं करने वाली थी। एक्चुअली मैं करने वाली थी, बैठ जाती हूँ थोड़ा सा थक जाती हूँ नीचे से चढ़ते उतरते। तो आज मैं करने वाली थी, मतलब कल का ही था मेरा, कि कहाँ रखूँ यार, दिख रही हो क्या आप लोग को? हाँ, तो कल का ही था मेरा कि मैं करने वाली थी अपने शूज़ को वॉश, जो कि हाथ में ही थी, जो कि था, मतलब किधर देख रही थी तो पता नहीं। एक्चुअली मम्मी के मोबाइल का कैमरा ये नीचे इस साइड में है और मेरा ध्यान इधर ही जाता है, तो थोड़ा मिसमैच हो जाता है। हाँ, तो मैं ये कर रही थी कि मैंने कल, मतलब जैसे पता मैंने बताया था अभी इसके पहले वाली वीडियो में, मैंने बताया है कि मतलब अभी 1 तारीख से जॉब शुरू होने वाला है, तो मैं उसकी तैयारी करती हूँ। तैयारी भी नहीं, मतलब मैं जो शूज़ वगैरह वेयर करके जाती हूँ, तो कल ही मैंने अपना कवर जमाया फुटवेयर वाला, सोचा मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ। बट ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम उसे शेयर करूँगी अच्छे तरीके से प्रॉपर, जब मैं ऊपर शिफ्ट हो जाऊँगी। तो फिर मतलब वही था, तो मैं आपको शेयर करने वाली थी बट नहीं किया मैंने, नेक्स्ट टाइम करूँगी मैं उसको। तो मैंने वो शूज़ निकाल के रखा था कल रात को कि मैं आज मॉर्निंग में वॉश करूँगी, बट मेरी मम्मी इतनी अच्छी है कि मेरी मम्मी ने वो शूज़ को वॉश करके रखा हुआ है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि वो वॉश कैसे रखा हुआ है। इसलिए मैं यहाँ स्टॉप ले ली क्योंकि वो जस्ट मेरे सामने ही है, इसीलिए मतलब वो शूज़ तो देखिए किस तरीके से। और आप लोग भी मुझे कमेंट्स में बताना कि आप लोग भी ऐसे ही अपने शूज़ को सुखाते हो क्या। मैं तो ऐसे ही सुखाती हूँ, मेरी मम्मी ने भी आज वही किया हुआ है। तो देखिए, दिख रहा है फ्रेंड्स आप लोग, मैं स्टेयर पे बैठी हूँ, मतलब सीढ़ी पे बैठी हूँ और आप लोग को जूम करके दिखा रही है मेरे घर की एंट्री है। तो मेरे शूज़ ऐसे ही गेट पे सूखते हैं, या तो मैं यहाँ सुखाती हूँ या तो फिर मैं ऊपर सुखाती थी, बट ऊपर का काम शुरू है तो वहाँ तो सुखा नहीं सकते। तो मैंने यहाँ, मतलब मम्मी ने यहाँ पे सुखाया हुआ है गेट के ऊपर। तो ये देखिए मेरे गेट का तोरण जूतों का, ये सारे मेरे शूज़ है। तो मैं फ्रंट कैमरा करके बात करती हूँ आपके साथ। तो फ्रेंड्स, देखा आपने क्या, आप लोग भी ऐसे जो अपने शूज़ को सुखाते हो क्या? तो मैं तो ऐसे ही सुखाती हूँ और मम्मी ने भी ऐसे ही सुखाया हुआ था, तो ऐसा था। एक्चुअली मेरे को जो कंफर्टेबल लगते हैं ना शूज़, एक्चुअली मॉर्निंग, मतलब हम लोग का स्टैंडिंग जॉब है तो कैसे हमको, मतलब कंफर्टेबल फुटवेयर लगते हैं, मतलब कंफर्टेबल वेयर करना पड़ता है। मुझे तो कंफर्टेबल लगते हैं, बच्चे लोग खेल रहे थे तो उनकी आवाज़ आ रही है, तो कंफर्टेबल मतलब रखते हैं, इसीलिए मैं ऐसे कंफर्टेबल शूज़ लगती हूँ। और सारे मेरे, मैं जहाँ जॉब करती हूँ वहीं के शूज़ हैं मेरे, फॉरएवर ग्लैम के हैं और काफ़ी कंफर्टेबल है, बहुत अच्छे और बहुत कंफर्टेबल है। मैं अपनी शॉपिंग अपने, मतलब स्टोर से ही करती हूँ, तो मेरे सारे कपड़े वगैरह भी सब मेरे स्टोर के ही है और फुटवेयर वगैरह भी मेरे स्टोर के है, ज्वेलरी भी मेरे स्टोर के। बस कभी लगता है तो मैं बाहर से करती हूँ, अदरवाइज़ मैं अपने स्टोर से ही करती हूँ क्योंकि वहीं से मुझे अच्छे लगते हैं ज़्यादा, इसीलिए। तो ये था, तो मेरे को जो कंफर्टेबल लगता है वही मैं शूज़ निकाल के रखी हूँ और उसको मैंने वॉश करके रखा हुआ है। और ऑलमोस्ट ज़्यादा मैं स्नीकर्स वेयर करती हूँ, मतलब स्नीकर्स ही वेयर करती हूँ
स्पोर्ट्स शूज़ वेयर करती हूँ क्योंकि वही ज़्यादा मेरे को कंफर्टेबल रहते हैं। और मैं फ्लैट्स का भी वेयर नहीं करती क्योंकि मैं फ्लैट में मेरे को चलना ही नहीं आता है और मैं चल भी नहीं पाती हूँ। और बेलीज भी बहुत सिलेक्टेड ही वेयर करती हूँ, मतलब जो अच्छी लगती है, मतलब मैचिंग जो लगता है मेरे को वो लेती हूँ, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए, मैं आपको बताने वाली थी चकली, तो चलो मेरे साथ अभी यहाँ का पूरा नहीं खत्म करते हैं शूज़ का। सो ये देखिए फ्रेंड, चकली जो हम लोग ने आफ्टरनून में बनाए थे, मैंने सिर्फ घुमाने का काम किया हुआ है चकली को, राउंड 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 राउंड, बाकी मेहनत दीदी ने करी है और लास्ट की पूरी मेहनत मेरी मम्मी ने करी है, जो रुक के पूरा खड़े होके तलने का काम कर रही थी सिर्फ। तो ये देखिए चकली, और ये बहुत टेस्टी और मतलब खुशखुशित बनी हुई। तो प्लीज़ आप इसे चेकआउट करना, मैं इसके पहले मतलब चकली की रेसिपी अपलोड करूँगी तो आप उसे ज़रूर से चेक करना। तो ये देखो कितने अच्छे तरीके से बनी हुई है, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी सी बनी हुई है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कैसे लगी, खा रही मैं हूँ, आप लोग टेस्ट लेना इसका और आप लोग भी इसको जरूर ट्राई करना, और कैसी बनी है मुझे बताना कमेंट्स में जरूर से, और सबसे बहुत अच्छी बनी हुई है तो आप लोग इसे जरूर ट्राई करना। तो फ्रेंड्स, मैं वापस से आ गई और मैं खा रही हूँ चकली, और इसकी आवाज़ सुनो, है ना क्रिस्पी क्रिस्पी, एकदम कुरकुरी मुरकु टाइप की है। तो आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करना, मेरी मम्मी और दीदी की मेहनत है। प्लीज़ अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, और चैनल का सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर देना ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टेड वीडियो देखने के लिए मिले। तो प्लीज़ चैनल का सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, ठीक है। तो अभी मैं क्या करने वाली थी, एक्चुअली मैं करने वाली हूँ अपना ड्रेसिंग टेबल है ना, उसका एक जो कबर्ड है जहाँ पर हमारा सारा सामान रहता है, तो वो अभी मैं सेट करने जा रही हूँ, तो वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ कि कितना उसमें कबाड़ा भरा रहता है और वो किस तरीके से पूरा मैशी मैशी रहता है, और उसको हर हफ्ते मैं सेट करूँगी ना फिर भी वो जैसे कि वैसे ही हो जाता है। वैसे करता बिगाड़ता कोई नहीं है, मैं मेरी दीदी यूज़ करते हैं तो हम लोग ही उसका कबाड़ा कर देते हैं, बट सेट भी हम लोग ही करते हैं। तो आज मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसको कैसे सेट करने वाली हूँ, क्या करने वाली हूँ। एंड इसके बाद मैंने सोचा है कि सब लोग कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइज़ करते हैं और उसका वीडियो अपलोड करते हैं, तो मैंने सोचा है कि अभी मैं वो एक पार्ट तो अपना मैं क्लीन कर लेती हूँ, देन उसके बाद मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगी ड्रेसिंग टेबल का, जिसको मैंने किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है वो आप लोग के साथ मैं शेयर करूँगी, ठीक है। तो चलते हैं अपन ड्रेसिंग टेबल की, वो क्या करते हैं, क्लीन करते हैं, सफाई करते हैं। तो चलो, मुझे लग रही थी भूख तो अभी मैं खाना खाने बैठी हूँ, मतलब लंच करने बैठी हूँ। तो देखो आज लंच में क्या बना था, बेसन और भात जो सबका फेवरेट है, और साथ में चकली। जो चकली हम लोग जब से बनी है तब से खाए जा रहे खाने का ही काम कर रहे हैं। तो ये देखो, तो चलो मैं करती हूँ लंच, अभी फिर करते हैं हम अपना ड्रेसिंग साफ, ठीक है। सो देखिए फ्रेंड्स, अब ये ड्रेसिंग किस तरीके से पूरा गंदा सा पड़ा हुआ है, पूरा कबाड़ जैसे पड़ा हुआ है, और मैंने ये कोम था उसको भी वॉश करने के लिए रख दिया था। और फिर देखिए इसे सेटअप करने के बाद ये किस तरीके का दिख रहा है, पूरा प्रॉपर तरीके से मैंने सेट कर दिया है इसे। सो कैसा लगा आपको फ्रेंड्स, अभी तो ज़्यादा कुछ मैंने बताया नहीं है, मतलब सेटअप कर रही थी बस वही था। तो देखा आपने कितने गंदे तरीके से वो मैशी रखा हुआ था, तो अभी मैंने उसको क्लीन करके रख दिया, और आपने देखा अभी मैंने किस तरीके से उसको ऑर्गेनाइज़ किया हुआ। एक्चुअली मैं क्या करती हूँ कि मतलब कोई भी जैसे मोबाइल्स के जो बॉक्स होते हैं या कोई भी मुझे छोटा सा बॉक्स वगैरह भी मिलता है ना, तो मैं उसे ना मतलब रख देती हूँ उठा के, कोई भी काम में मतलब वो यूज़ आ जाता है, तो और मैं उसे यूज़ भी कर लेती हूँ। तो यही सब का मैंने अभी जो सेट किया हुआ है ना अपना ड्रेसिंग, तो वो यही सब मैं सेट किया हुआ है। तो देखा आपने उसको मैंने कैसे मतलब सेट किया हुआ है, और ऐसा कुछ मैं ज़्यादा मतलब खरीदिया नहीं है, कुछ भी नहीं है, जैसा जो घर की चीज़ें थी और जो मेरे पास बॉक्स वगैरह रखे थे बस उसी में इसको सेट करके रखती हूँ। तो इस तरीके से मैंने सेट किया है। तो आज की मैं वीडियो यहीं स्टॉप करती हूँ, बट आप नेक्स्ट वीडियो की वेट करना, क्योंकि मैं अभी जैसे सेट किया है तो ड्रेसिंग टेबल का पूरा किस तरीके से मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। तो आप नेक्स्ट वीडियो की वेट करिए, तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, और सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर ही देना, इतना तो बनता है, तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना।
तो जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लेना ताकि पहली घंटी आपके पास बजे टंग से गली। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय साई राम, ध्यान रखो अपने अपने फैमिलीज का, बाय बाय।